हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग सीखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हल करेंगे। क्या बोल रहा है सवाल में? एक एपी में, तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट से हल करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन बराबर वाट, फिर एस एन बराबर वाट। दो चीज़ निकालना है, एन बराबर निकालना है और एस एन बराबर निकालना है। अब यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगा के हल करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का मान कितना है? 50 बराबर ए का मान 5 जोड़ एन का मान नहीं मालूम, डी का मान 3। ये 5 को इधर लेफ्ट साइड टपाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। ये 3 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 45 भागा 3 बराबर एन माइनस 1, कई बार में कटेगा? 15 बार में। तो ये माइनस 1 को इधर लेफ्ट साइड टपाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, 15 जोड़ 1 बराबर एन, तो n बराबर कितना निकल गया? 16। ये आंसर हो गया, एक मान निकल गया। अब Sn का फॉर्मूला लगा के हल करते हैं। n का मान कितना निकाले हैं? 16 बट्टे 2। a का मान कितना है हम लोग का? 5 जोड़ n का मान 16 माइनस 1, d का मान 3 है, 2 से कटेगा 8 बार में, 8 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 जोड़ यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15, 15 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, 8 गुना यहाँ जुटेगा तो 55। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 440। यही आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर हल करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में क्या क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है और ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, और क्या निकालने बोल रहा है? डी निकालने बोल रहा है और एस 13 ज्ञात करने बोल रहा है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है लिख लिए। अब क्या निकालना है? पहले डी बराबर निकालना है, इसके बाद एस 13 बराबर निकालना है। पहले हम इसको हल करते हैं। ए 13 तो यहाँ लिखेंगे, ए 13 बराबर कितना दिया हुआ है? 35। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। ए 13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस 12 डी, एक कम करके लिखते हैं, बराबर 35। ए का मान कितना है? 7 जोड़ 12, डी का मान नहीं मालूम, बराबर 35। 7 को इधर दाहिने साइड टपा देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 7 12 डी बराबर, घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 28। 12 गुना है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, डी बराबर 28 बट्टे 12। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से कट रहा है, यहाँ पे कई बार में कट जाएगा? 3 बार में, और यहाँ ऊपर 28 7 बार में, तो डी बराबर कितना निकल गया? 7 बट्टे 3। अब एस 13 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाता है? बराबर एन बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए क्या लिखा जाता है, एस एन, एन के जगह पर कितना है? 13, तो एन का मान कितना है? 13 बट्टे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है? 7 जोड़
एन का मान 13 माइनस 1, डी का मान कितना है 7/3, 13/2, यहाँ गुना होगा तो कितना होगा 14 जोड़, यहाँ घटेगा तो 12 गुना 7/3, 13/2 इंटू 14 जोड़, यहाँ पे कटेगा 4 बार में तो कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28 बराबर 13/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब 2 से कटेगा ही 2 × 1, अब 13 × 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 273। यही आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए थर्ड नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, ए 12 = 37 और डी 3 दिया है। ए और एस 12 ज्ञात कीजिए, तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं और आगे हल करते हैं। देखिए जो सवाल में दिया हुआ था उसको लिख लिए, पहले निकालेंगे क्या चीज़, ए 12 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 11 डी, एक कम करके लिखते हैं, यहाँ 12 है तो एक कम करके लिखे 11 डी 37, ए का मान नहीं मालूम, 11, डी का मान कितना है 3 बराबर 37, ए जोड़, यहाँ गुना करेंगे तो 33 बराबर 37, 33 को इधर दाहिने साइड टपाएंगे तो क्या हो जाएगा -33, तो ए बराबर ये घटेगा तो कितना बचेगा 4, पहला आंसर निकल गया। अब एस 12 का फॉर्मूला लगा के हल करते हैं आगे। एन का मान कितना है, यहाँ देखिए दिया हुआ है 12/2, यहाँ 2, ए का मान कितना निकाले, यहाँ 4 जोड़, एन का मान 12 -1, डी का मान कितना है 3, यहाँ 2 से कटेगा कई बार में 6 बार में, 6 × यहाँ 8 हो जाएगा जोड़, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 33 बराबर 6 गुना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, अभी दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 246। यही आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों।